मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और अगर आप भी ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं, ओल्ड सॉन्ग हारमोनियम पर प्ले करते हैं और ओल्ड सॉन्ग गाना पसंद करते हैं, तो आज का लेसन स्पेशली ऐसे लोगों के लिए ही है जो लोग ओल्ड सॉन्ग पसंद करते हैं। लता जी द्वारा गाया हुआ ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और हमारे एक खास व्यूअर की विशेष फरमाइश पर हम इस सॉन्ग को बना रहे हैं। तो आइएगा शुरू करेंगे और देखिएगा, इसका जो हमने स्केल रखा है वो दूसरा काला रखा है ताकि बिगनर्स भी बजा सकें, और गाने में अगर आप गाना चाहें इस सॉन्ग को तो पिच भी आपकी ना ऊंची रहे ना नीची रहे। तो आइएगा सीखेंगे सॉन्ग और लेसन करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के लेसन, अच्छे अच्छे म्यूजिकल लेसन इस चैनल पर आपको देते रहें। आइएगा करते हैं लेसन आज का शुरू, और आज के लेसन में एक विशेष बात यह है कि इसका इंट्रो म्यूजिक और स्थाई के बाद का म्यूजिक भी हम इस लेसन में आज सीखेंगे। और हाँ, स्वर बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस सॉन्ग का लिखित में नोटेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके हमसे नोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। आइएगा देखते हैं स्वर। तो सा हमारा ये है, अब इसमें देखिएगा सा रे और दोनों गा का यूज होगा, कोमल गा भी और शुद्ध गा भी, मा और थोड़ा सा एक जगह तीव्र मा का भी यूज होगा। वैसे तो मोस्टली शुद्ध मा का ही यूज है, लेकिन एक जगह तीव्र मा का भी यूज होगा। पा आपका और शुद्ध धा, ठीक है, और कोमल नी और सा। दोनों मा, दोनों गा, रे और आपका सा। और मंत्र सप्तक की अगर आप बात करें तो दोनों नी यहां पर यूज होंगे और आपका धा शुद्ध यूज होगा, ठीक है। और हाँ, मंत्र सप्तक में आपका कोमल धा भी यूज होगा, दोनों धा यूज होंगे और पा। तो मतलब कहने का है सा और दोनों नी, दोनों धा और पा, ये स्वर यूज होंगे, ठीक है। अब जो इंट्रो म्यूजिक है पहले वो समझते हैं। अब इसका जो इंट्रो है जहां से वो हारमोनियम का पार्ट शुरू होता है उसमें, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूं। स्टार्टिंग म्यूजिक देखिएगा, पहले मैं आपको एक बार बजा करके सुनाता हूं। स्टार्टिंग म्यूजिक है, अब देखिएगा एक एक पोर्शन करके समझेंगे। पहला पोर्शन ये है सा रे गा मा मा पा, यानी कि दोनों मा एक साथ, सा रे गा मा मा पा, सा रे गा मा मा पा, सा रे गा मा मा पा, पहला ये है, ठीक है, सा रे गा मा मा पा, पहले आया, उसके बाद ये पोर्शन है सा रे गा मा नी सा रे गा, सा रे गा मा नी सा रे गा, ठीक है, इतना आया। और उसके बाद धा नी धा पा, धा नी धा पा, मंत्र सप्तक का धा नी धा पा, ठीक है। तो एक बार यहां तक का पूरा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से शुरू होता है, इतना है, पादा पादा पादा, तीन बार, पादा पादा पादा, पासा पा मानी मा गाधा गा, इतना है, पादा पादा पादा, पासा पा मानी मा गाधा गा,
ठीक है, इतना हुआ। और इतना होने के बाद फिर ये पोर्शन है, अब स्लो में देखिएगा इसको। नी धा मा धा प ग सा ग प, ये पोर्शन है। फिर अब इसमें दोनों धा एक साथ यूज हुए हैं, नी धा मा नी धा मा, पहले शुद्ध धा है, नी धा मा, उसके बाद कोमल धा, धा प ग नी धा मा धा प ग सा ग प, फिर ये इतना ये इंट्रो म्यूजिक है, ठीक है। अब इसके बाद आपका गाना शुरू होता है जो स्थाई है। अब स्थाई, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, इतना पोर्शन देखिएगा पहले, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, नोटेशन बता रहा हूं मैं आपको, मुझे मिल गया बहाना तेरी, गारे सा निसा रे निसा निधा, अब यहां पर दोनों नी यूज हो रहे हैं, गारे सा निसा रे निसा निधा, मुझे मिल गया बहाना तेरी, उसके बाद दीद का दीद का, सारे गारे सारे गारे दीद का दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। अब हल्का सा हम सा की तरफ आ जाते हैं जब दोबारा ये लाइन शुरू करते हैं, ठीक है। और जब मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, यहाँ रे सा यहाँ आए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन क्या, कैसी खुशी लेके आया चांद, कैसी खुशी लेके आया चांद, अब देखिएगा आधा आधा इसका नोटेशन, कैसी खुशी लेके कैसी खुशी लेके, धासा सा सा सारे रे मामा, धासा सा सा सारे रे मामा, कैसी खुशी लेके आया चांद, गारे गागा सा गारे गागा सा आया चांद, कैसी खुशी लेके आया चांद, ठीक है। उसके बाद ईद का, अब जैसे पहली लाइन में बजाया दीद का, ऐसी दूसरी लाइन बजेगा ईद का, ठीक है। कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। अब सेकंड बार में जहां पर लास्ट ये लाइन छोड़ी जाती है म्यूजिक के लिए, वहां पर थोड़ा सा चेंज है क्या, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, रे सारे सारे सा, इस तरह से ये छोड़ी जाएगी लाइन। उसके बाद फिर म्यूजिक शुरू होगा। अब जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ ये फर्स्ट अंतरे के बाद का म्यूजिक बता रहा हूँ, जो सेकंड अंतरे से पहले म्यूजिक है वो म्यूजिक देखेगा, ठीक है। ये म्यूजिक ठीक है, अब देखेगा पास से शुरू होगा, इतना पोर्शन देखिए, पादा सा सदा पगा, पादा सा सदा पगा, इतना हुआ। उसके बाद
कोमल नी और शुद्ध धा, पानी धानी, तो इतना हुआ। और उसके बाद धप करे सारे गा, ये आपका म्यूजिक हुआ। अब इसके बाद फिर आपका आता है अंतरा। अब अंतरा जो है वो देखिएगा, जागती आंखें बुनती है सपने, जागती आंखें बुनती है सपने, दिल में बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने, ये अंतरा। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखिएगा, जागती आंखें बुनती है सपने, जागती आंखें बुनती है सपने, गपा मगरे रे सा सा रे सा सा, गपा मगरे रे सा सा रे सा सा, जागती आंखें बुनती है सपने। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन, तुझको बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने, ये है नेक्स्ट लाइन, तुझको बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने, मा पा मगरे तुझको बिठा के, तुझको बिठा के, मा पा मगरे तुझको बिठा के, पहलू में अपने, पहलू में अपने, अभी लाइन, पहलू में अपने सारे मगरे, सारे मगरे, पहलू में अपने, पहलू में अपने, गरे गरे सा सा सा, गरे गरे सा सा सा, पहलू में अपने। ठीक है, ये लाइन हुई। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लाइन है, दिल की लगी ऐसी बड़ी, दिल की लगी ऐसी बड़ी, फिर ये लाइन है, दिल की लगी ऐसी बड़ी, ऐसी बड़ी दिल की लगी, अब ये पादा निदा पागा पापा, ऐसी लगी दिल की बड़ी, दिल की बड़ी ऐसी लगी, फिर आया पादा निदा पागा पापा, पादा निदा पागा पापा, नोटेशन सेम है, दो बार यूज हुई है, ऐसी लगी दिल की बड़ी, दिल की बड़ी ऐसी लगी, सेम है बिल्कुल। ठीक है, टाइमिंग का फर्क है बस। ठीक है, दिल की लगी ऐसी बड़ी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका, आंखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, अभी जो लाइन है, आंखों में नाम नहीं नींद का, अब यहां पर दोनों का एक साथ यूज हुआ है, आंखों में नाम नहीं, आंखों में नाम नहीं, गा पा पा नी दा पा गा 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 गा, आंखों में नाम नहीं, गा पा पा नी दा पा गा 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 गा, ठीक है, नींद का, नींद का, गा गा रे गा गा रे, नींद का, आंखों में नाम नहीं नींद का, फिर ये है, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। इस तरह से आप इस पूरे सॉन्ग को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और हाँ, कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।